आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर गिवन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180, मोलर मास ऑफ वाटर इज 80। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसके चार ऑप्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है यह है वाटर और जो सॉल्यूट है यह है ग्लूकोज। ठीक है, एंड इसमें हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिख के ही स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू I इनटू X सॉल्यूट। ओके, इस फॉर्मूले में जो P नॉट होता है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब कि जब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को ऐड नहीं किया है उस समय जो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। ठीक है, पी सॉल्यूशन इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर लिया और हमारे पास सॉल्यूशन बन गया उस समय जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी सॉल्यूशन। ठीक है, आई इज वॉन्टहॉफ्स फैक्टर एंड एक्स सॉल्यूट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो ये जो हमारे पास LHS में जो पूरा क्वांटिटी लिखा हुआ है दिस इज ओनली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे RHS वाला जो टर्म है इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वॉन्टहॉफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो वॉन्टहॉफ फैक्टर इज इक्वल टू NF अपॉन NI, वेयर NF इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड NI इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली टेकन। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। NF इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड NI इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है दिस इज ग्लूकोज। ओके, सो ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर। ओके, तो इसका क्या मतलब है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का, कि मतलब कि जब हम इसे वाटर में डालते हैं, मतलब अपने सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये ना ही उस सॉल्वेंट में एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है, तो इसीलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाता है। इसका मतलब इस केस के लिए NF और NI की वैल्यू बराबर रहेगी और I विल बी इक्वल टू 1। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स के लिए जो वॉन्टहॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है दिस इज 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या ग्लूकोज अगर हम लोग कहें तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज ही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेट ऑफ ग्लूकोज हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 9 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं विच इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉलिकुलर मास बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास है 6 एटम्स ऑफ कार्बन और एक एटम कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम्स पर मोल प्लस 12 एटम्स है यहाँ पे हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम पर मोल और यहाँ पे 6 एटम्स है ऑक्सीजन के और एक एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। इसे हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, हालांकि ये जो डेटा था ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था और वाटर के लिए भी हमें क्वेश्चन में ही 18 ग्राम गिवन है। बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन अब निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज जो कि हमें अगेन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट वाज 90 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9/180 की वैल्यू है 0.05/0.05+5। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.009। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अब इस ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो गिवन है इट इज ऑल्सो 0.009। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।